ये सिग्नल जो आपने अभी सुना वे साल 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया गया था। ये घटना तब हुई जब डॉक्टर जेरी एमन स्पेस पर कुछ रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें ये सिग्नल मिला। ये सिग्नल लगभग 72 सेकंड तक रिसीव किया गया था और इसके बाद इसे कभी भी नहीं देखा गया। जब भी सिग्नल को डिकोड किया गया तो वैज्ञानिकों ने इसके पास वाव लिख दिया था। उन्होंने इस सिग्नल को नोट किया जो था 6EQUJ5। ये स्पेस सिग्नल हमेशा नंबर या अल्फाबेट के कुछ पैटर्न में होते हैं, जिसमें यू का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल। इस नोट में भी एक यू था जो बताता है कि ये सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग था। ये कोई आम सिग्नल से लगभग 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ये सिग्नल सेजिटेरियस कॉन्स्टिलेशन की तरफ से आया था, जो हमारी पृथ्वी से काफी लाइट ईयर दूर स्थित है। जिस जगह से ये सिग्नल आया था वहां पर काफी बार स्कैन किया गया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला। ये सिग्नल सिर्फ एक बार ही रिसीव किया गया था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जहां से ये सिग्नल आया था वहां पर कुछ था ही नहीं।